आज मैं बनाने जा रही बहुत ही सिंपल रेसिपी करेले की सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो करेले लिए, ये 250 ग्राम है टोटल। उसका हमें छिलका हटा लेना है, मैंने हटा लिया है। उसके बाद हमें बीज से इसको काटना है। उसके बाद इसके हमें बीज हटा देने हैं। अगर बीज आप खाते हैं तो आप बीज रहने दीजिए, और नहीं खाते हैं तो इसको हटा दीजिए। तो मैंने यहाँ हटा दिया है। उसके बाद इसके पतले पत्ते से हमें पीसेस करने हैं। इस तरह से मैंने कर लिया है, देखिए बीज निकला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे नमक डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून, और हल्दी 1/2 टेबल स्पून। इसको अच्छे से मिक्स करके हमें कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए ढक के रख देना है। अब देखिए इस कपड़े के अंदर मैं डाल रही हूँ इस तरह से। 1 से 1.5 घंटे बाद देखिए पानी पूरी तरह से इसमें का निकल गया है। इससे क्या होगा कि हमारा करेला कड़वा नहीं लगेगा, एकदम ड्राई हो गया है। और यहाँ पे मैं कढ़ाई गर्म होने पे 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ बड़े वाले चम्मच से। उसके बाद 1 टेबल स्पून जीरा और 2 से 3 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, और 2 प्याज। उसके बाद अच्छे से हमें मिक्स करना है और मीडियम फ्लेम पर इसे भूनना है। उसके बाद यहाँ पे अजवाइन डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून, और हींग डाल रही हूँ 1/4 टेबल स्पून ने हींग डाला है। उसके बाद हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, उससे पहले हमें करेला डाल देना है। इसलिए इस स्टेज में डालना होता है ताकि जो हमारा प्याज है जले नहीं। उसके बाद हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 टेबल स्पून, और रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून। इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है और थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना, गैस का फ्लेम लो रखना है। उसके बाद हमें यहाँ नमक डालना है थोड़ी देर पकने के बाद। उसके बाद यहाँ पे अमचूर पाउडर, इससे क्या होगा कि करेला में कड़वाहट कम होगी और करेला टेस्टी बनेगा। अब इसको कंटिन्यू हमें थोड़ी थोड़ी देर में भूनते रहना है। देखिए हमारा सब्जी बनके तैयार हो गया है। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।